जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सरल व सटीक उपाय बताने वाला हूँ, कनेर के पुष्प का उपाय। इस उपाय को साधारण से साधारण व्यक्ति भी बहुत ही साधारण तरीके से कर सकता है। इसमें कोई विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को बहुत ही आसान तरीके से इस उपाय को करना है। कोई ज़्यादा उसको चीज़ें इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भोले शंकर का उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे भोले शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और भोले शंकर की जितनी भी पूजा विधियाँ हैं वो बहुत ही आसान है, उसमें कोई एक्स्ट्रा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। तो भक्त इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और शिव जी की कृपा पा करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस पूजा का एक और महत्व है, इस क्रिया का एक और महत्व है कि इसमें जब आप पीले कनेर का इस्तेमाल करते हो तो साथ शिव जी के साथ साथ जो भी इस उपाय को करता है उसको भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। और जिस उपाय से भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की यदि किसी व्यक्ति को कृपा प्राप्त होगी, यदि उनका आशीर्वाद उतरेगा, तो ऐसे व्यक्ति की हर एक इच्छा, मुँह मांगी इच्छा, कोई भी इच्छा उसकी होगी वो बहुत जल्द पूरी होगी। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ ये वैसा ही उपाय है कि इस उपाय को करने से आप पर शिव जी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा उतरेगी, जिससे आप जो कुछ भी चाहेंगे वो आपकी इच्छा बहुत ही जल्द तीव्रता के साथ में फलीभूत होगी। चाहे वो आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो, आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो आपकी इच्छा तुरंत पूरी होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत, त्यौहार, पूजा विधि इत्यादि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आज का उपाय। आज के उपाय में करना क्या है आपको, इस उपाय को आपको गुरुवार के दिन करना है, रात्रि के समय पे करना है। शिव जी की पूजा है, रात्रि के समय में करेंगे, मन शांत रख करके करेंगे, बहुत ही विशेष फल इसका प्राप्त होगा आपको। आपको इसको संपूर्ण शांत मन से, शांत चित्त के साथ में करना है। हो सके तो इसको आप मध्य रात्रि को करें, जब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में ना हो उस समय आप इस क्रिया को करें। इसका बहुत ही आपको अच्छा फल देखने के लिए मिलेगा और बहुत शीघ्र इसका फल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको करना क्या है इस उपाय के लिए कि रात्रि के समय आप जब भी इस पूजा को करने के लिए बैठे तो सफ़ेद कपड़ा ले लें। ध्यान दीजिए, सफ़ेद कपड़ा लेना है। किसी भी तरह की आपको मूर्ति की या किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। घी का एक दीपक जला लेना है और अगरबत्ती, बस इसके अलावा और किसी भी चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। और 11 कनेर के पुष्प, पीले 11 कनेर के पुष्प आपको ले लेने हैं। ध्यान दें कि जो कभी भी आप पुष्प लेते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये सूर्योदय के बाद में आपको नहीं लेनी है, सूर्यास्त के बाद आपको नहीं लेनी है, सूर्यास्त के पहले पहले आपको ये चीज़ ले लेनी है। तो ये जब भी आप इस क्रिया को करें तो सूर्यास्त के पहले आप कनेर के पुष्प घर पर लेकर के आ जाएं। और किस तरह से लाने हैं, जब आप विशेष किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, वैसे आप पूजा में व्रत त्यौहार में करते हैं तो वह अलग तरीका होता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को मांगने के लिए करते हैं, कोई चीज़ का उपाय करने के लिए करते हैं, तब आपको उस विधि के साथ उसको लेकर के आना होता है। वो मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। उसी तरीके से आप उसको लेकर के आ जाएं, कनेर के पुष्प को, 11 कनेर के पुष्प आप लेकर के घर पर आ जाएं, गुरुवार के दिन लेकर के आ जाएं। इसके बाद में जब आप इस क्रिया को करने के लिए बैठते हैं, रात्रि के समय जब आप बैठते हैं तो सफ़ेद आसन पर आप खुद भी विराजमान हो जाए, सामने एक सफ़ेद कपड़ा आप अपने सामने रख लें, घी का दीपक जला लें और अगरबत्ती को जला लें। इसके बाद में जब भी आप करें, मैं पहले बता देता हूँ, रात्रि के समय ही करें इस उपाय को। ओम नमः शिवाय कहते हुए आप 11 पुष्प जो आपने सफ़ेद कपड़ा रखा है उसमें रखें, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो बोलते हुए उसमें आप रख दें। जब आप पीला कनेर का पुष्प गुरुवार की रात्रि को शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि जो पीले कनेर के पुष्प हैं वो भगवान विष्णु का प्रतीक है, उन्हें भी अत्यंत प्रिय हैं। सभी को मालूम है भगवान विष्णु सदैव शिव जी का ध्यान धरते हैं, शिव जी भगवान विष्णु का ध्यान धरते हैं। तो जब भी आप पीले कनेर के पुष्प शिव जी को चढ़ाते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे करने वाले व्यक्ति पर शिव जी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा उतरती है। जब आप ओम नमः शिवाय करके 11 दफ़े चढ़ा दें, इसके बाद में शुद्ध जल से उसी कपड़े में आपकी जो कोई भी इच्छा है पानी से आप लिख दें, आपकी जो इच्छा है पानी से लिख दें। अब इसको आप गठरी बांध करके रख दें, दूसरे दिन सवेरे इसको कहीं पर भी आप जल प्रवाहित कर दें। ये जो पुष्प और कपड़ा है इसको आप दूसरे दिन सवेरे जल प्रवाहित कर दें। 7 गुरुवार तक आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी चाहे कितनी ही बड़ी इच्छा या ज़रूरत क्यों नहीं होगी पूरी हो जाएगी। उसके पहले पहले ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको करना है पूरे 7 गुरुवार तक आप इस क्रिया को करें, चाहे किसी भी परिस्थिति होगी आपकी या इच्छा होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।